आज कॉलेज में दिन अच्छा था ना? हाँ यार, आज का दिन सबसे बहुत अच्छा था। हाय प्रीत, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे तुम कॉलेज से बताए बिना चली गई और झक आ रही हो? घर जा रही हूँ, और मैं तुम्हें बताकर क्यों जाऊँ? अरे अगर तुम मुझे बोलती तो मैं ड्रॉप कर देता बाइक से। अच्छा। और तुम्हें पता है मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कॉलेज में, रेस का, और कैंपस के सभी लोग आने वाले हैं। और तुम्हें तो मालूम ही है मुझे रेस कितनी पसंद है, और इवेंट ये नेक्स्ट वीक ही होने वाला है। और हाँ, तो तुम आओगी ना रेस देखने? और देखना, रेस मैं जीतूंगा। अच्छा? अरे अच्छा क्या, बताओ आओगी या नहीं? Not interested. अच्छा, पर क्यों, कहीं बिजी हो क्या नेक्स्ट वीक? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, तुमको ऐसे ही रहना पसंद है क्या? क्या मतलब? मतलब तुम जैसी लड़की को यही चंपू मिला साथ घूमने के लिए? सचिन, तमीज में। तमीज में इसको बोल रहने के लिए। और चंपू, तू, तुझे कोई लड़की नहीं मिलती जब तक साथ घूमता रहेगा प्रीत के, हैं? ओए छोड़ो उसे, उसे हाथ लगाने की ना जरूरत नहीं है। तुझे क्या हुआ भाई, तुझे इतना क्यों दर्द हुआ? दर्द हुआ क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है। तकलीफ इसे हो रही है या तुझे? दोस्त है वो मेरा, उसे तकलीफ में देकर मुझे तकलीफ होगी। है तुझे बस यही मिला दोस्ती करने के लिए? ये चोमू, कॉलेज में और लड़के भी हैं ये बहुत अच्छे हैं, अच्छी पर्सनालिटी वाले हैंडसम लड़के, जैसे कि मैं, तू मेरी दोस्त बन जा। और मैं दोस्ती क्या, तेरा बॉयफ्रेंड ही बन जाऊंगा। और मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, अच्छी बाइक, सब कुछ है मेरे पास। और एक ये चोमू जो तुझे पैदल घुमा रहा है साइकिल में। तुमने सोच भी कैसे लिया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, जो आए दिन गर्लफ्रेंड बदलता रहता है, और जिसकी कीमत दौलत शौहरत में लग जाए ना, वो लड़की नहीं हूँ मैं। और रही बात इसकी, तो ये साइलेंट है, लूजर नहीं। चलो निजामुल यहाँ से। इस चोमू के लिए इसने मुझे उल्टा बोला, अब इसकी तो। हे गाइस, आज मैं आपको एक लाजवाब ऐप लोटस 365 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप अपनी क्रिकेट नॉलेज यूज करके अच्छा इनाम जीत सकते हो। यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिकेट मैच कौन अच्छा खेलेगा, और 200 प्लस से भी ज़्यादा गेम खेल सकते हो, मतलब गोवा का मजहब इनकी साइड पे। लोटस 365 ट्रस्टेड एंड सेफ वेबसाइट है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुटेला, कीर्ति खंडा और काजल अग्रवाल हैं। सबसे अच्छी चीज़, आपका विड्रॉल यहाँ 20 मिनट में हो जाता है, चाहे दिन हो या रात हो। अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको मिलेगा 365 का बोनस, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा निजामुल सुनो, अगर आज के बाद वो तुम्हें उल्टा बोले ना, तो तुम्हें चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी उसे मुँह तोड़ जवाब देना, ठीक है? अच्छा चलो मैं चलती हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। मैं रहूं तेरे सामने, बना ले मुझे आईना, ये मेरे हर लफ्ज का तू ही एक मायना। देख मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं तेरे से कोई झगड़ा करना नहीं चाहता। जाना है तो निकल, पर साइकिल यहीं छोड़ दे, पैदल जा। सचिन ये क्या कर रहा है, क्यों झगड़ा शुरू कर रहा है तू? झगड़ा मैं शुरू कर रहा हूँ? झगड़ा शुरू हो चुका है, बस ख़त्म मैं करूँगा। क्या झगड़ा, कैसा झगड़ा? मेरी बेइज्जती की थी ना उस प्रीत ने तेरी वजह से, अब देख तेरी बेइज्जती करूँगा उसकी वजह से। अखिलेश तू वीडियो बना बस।
बिल्कुल भाई। जब दर्द हुआ उसको या नहीं हुआ, पर अब दर्द जरूर होगा। अखिलेश ये वीडियो भेज दे इसकी महबूबा को और पूरे कॉलेज में हर एक बंदे को भी। ठीक है भाई, अभी भेज रहा हूँ। आगे से उसको समझा दियो और तू भी समझ ले ये बात, उल्टे जवाब के बदले मेरा जवाब उल्टा नहीं आएगा, मेरा जवाब सीधा एक्शन में आएगा, समझा? ये क्या किया खुदा, ये क्यों किया खुदा, बता मेरे खुदा, थी क्या मेरी खता, मैंने वीडियो देखी, सचिन ने तुम्हें मारा, क्या हुआ था? यार जब मैं तुम्हें घर छोड़ के जा रहा था ना, तो रास्ते में सचिन मिला अपने दोस्त के साथ, और फिर हुआ ये कि मेरी बेइज्जती की थी ना उस प्रीत ने तेरी वजह से, अब देख तेरी बेइज्जती करूंगा उसकी वजह से। तो ये सब हुआ। अच्छा, और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर वो आज के बाद तुम्हें कुछ बोले तो तुम चुप मत रहना, उसे मुंह तोड़ जवाब देना, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यार बस मैं लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता था। ठीक है फिर पिटते रहो, और मुझे ना ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज के बाद ना मुझे ना कॉल करना और ना मैसेज। यार इसने फिर फोन काट दिया, क्या करूं इसे कैसे मनाऊं? एक काम करता हूं, इसके घर जाके इसे मनाता हूं। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। यादा तेरिया दिया हंजू ले ले के। ठीक है खड़े रहो पूरी रात, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस चन्न थले बैबे के यादा तेरिया रातियों से चंद थले बह बह के यादा तेरिया दिया हंजू ले ले के। तेरे बिना दिल ये तड़पी
तुझे भी पता, मुझे भी पता, ये जो भी है दिल की है गलतियाँ। देखो अगर तुम नहीं मानी ना तो मैं मर जाऊंगा। मरना है ना तुम्हें, तो जाओ मर जाओ। खड़ी क्यों हो, जाओ ना। प्रीत। हाँ बोलो। छोड़ो ना यार ये सब, तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा दोस्त। अगर तुम भी मुझसे गुस्सा हो जाओगी तो ठीक है, पर पहले अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। निजाम भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा लगता है क्या? बस तुम ही मुझे खुश देखना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे लाइक करती हो? नहीं। अगर ऐसे डफर रहे ना तो कभी लाइक नहीं करूंगी। मुझे ना ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा अगर मैं तुम्हारे लिए बदलूं तो फिर तो तुम मुझे लाइक करोगी ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बदलने की। बस हर जगह ना अच्छा बनना छोड़ दो, जहां बुरा बनना पड़े ना वहां बुरा बनो। अच्छा तो क्या करूं मैं, बताओ? उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, लड़ाई करके नहीं बट उसका घमंड तोड़ के। अच्छा पर उसका घमंड कैसे तोड़ेंगे? उसे रेस में हरा कर। अच्छा तुम रेस करोगी? हाँ तुम तो कर सकती हो रेस, तुम्हें तो थोड़ी बहुत बाइक चलानी भी आती है। मैं नहीं, तुम करोगे रेस। क्या मैं रेस करूंगा? हाँ तुम करोगे। नहीं नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। मरने से तो अच्छा ही है ना कि रेस में जीत कर मुझे मना लो। अरे यार वो मरने का तो मैं मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक नहीं कर रही, अगर तुमने उससे रेस नहीं करी तो देख लेना आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा तुम उसकी बेइज्जती इसलिए करना चाहती हो ना क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो? लाइक क्या, लव भी कर लूंगी पर पहले उसे रेस में हराओ। क्या? हाँ और मेरी बात ना ध्यान से सुनो, और जो नहीं कह रही वो भी समझ लो, अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो तो ये रेस जीतने के लिए तुम अपनी जी जान लगा दो। अच्छा तुम पक्का मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी ना अगर मैंने उसे रेस में हरा दिया तो? बट पहले रेस तो करो। अच्छा पर मैं रेस करूँगा कैसे, मेरे पास तो अपनी बाइक भी नहीं है। तुम बाइक की टेंशन मत लो, वो मैं दिलवा दूँगी, बस मेरे फ्रेंड से जाकर ले लेना। तो ठीक है डन, पर जिससे रेस करनी है उसको भी तो बोल दो रेस के लिए। पर मेरे पास नंबर नहीं है। अरे कॉलेज का जो ग्रुप है ना उसमें से निकाल लो उसका नंबर। राइट मैं अभी करती हूँ। हेलो। हाँ कौन? वही जिसे रेस में इनवाइट कर रहे थे। अरे प्रीत तुमने हमें कैसे याद कर लिया, वो भी इतनी रात में। ऐसा याद किया ना कि दोबारा कभी भूल नहीं पाओगे। क्या बात कर रही हो, तुम चीज ही ऐसी हो, कोई भूले भी कैसे। अरे तुम चाहकर भी भूल नहीं पाओगे, ऐसे घमंड तोड़ूंगी तुम्हारा। क्या मतलब? तुम्हें रेस का बहुत शौक है ना, अब तुम्हें रेस में ही हराऊंगी। तुम क्या बात कर रही हो, तुम रेस करोगी वो भी मुझसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं, निजामुल। क्या निजामुल? वो चंपू। अबे यार प्रीत तुम क्या बात कर रही हो, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? गधा कौन है ना, वो तो रेस जीतने के बाद पता चल ही जाएगा। अरे यार प्रीत बस करो, मजाक बहुत हो गया। तुम कम से कम कोई ऐसा बंदा लाती जो मेरे लेवल का हो। तुम लाए भी किसको, उस चंपू को? उस रेस करना मतलब मेरी खुद की बेइज्जती, समझी तुम? अरे क्या हुआ, डर गया क्या? अबे चंपू तो साथ में ही है क्या उसके? आजा कर ले रेस। क्या हुआ डर गया क्या, अभी तो रेस शुरू भी नहीं हुई और तू तो अभी से मैदान छोड़ के भागने लगा। अबे चंपू तू क्यों इतना फालतू बोल रहा है, और ऐसा भी क्या हो गया एक दिन में,
जो तू ऐसा बोल रहा है, और इतनी मोटिवेशन रेस करने के लिए कहाँ से ले आया? हाँ, मोटिवेशन तो मिल गई है, और अब तुझे ऐसा हराऊंगा कि तू जिंदगी भर के लिए डीमोटिवेट हो जाएगा और रेस के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। अबे तू मुझे क्या ही डीमोटिवेट करेगा चंपू। चल ठीक है, तुझे पहले रेस में हरा दूँ, फिर जो बाकी उन्हें भाव में देख लेंगे। हाँ तो बता, कब कहाँ मिलेगा तू? वहीं जहाँ तुझे पहली बार मारा था, और अगली बार तुझे मात दूंगा। तो मिलते हैं परसों रेस में, और हाँ उसे भी लेके आना, प्रीत को। हाँ देखते हैं कौन खत्म करेगा रेस पहले, ये तो अब रेस में ही पता चलेगा। सुन रहा तू, वो चंपू मुझसे रेस करेगा? लगता है पागल हो गया है। खैर अपनी बेइज्जती खुद ही कराएगा, हमें क्या। भाई एक बात बोलूं? अरे पूछ कर आया, सीधा बोलना। उसे ना कमजोर समझकर हल्के में मत लियो। क्या मतलब? पता है अक्सर इंसान दर्द में कमजोर नहीं बेकाबू हो जाता है, और वो ना इंतकाम लेने की सोच रहा है। और हाँ, दर्द में डूबा हुआ इंसान आम इंसान नहीं रहता। देख तेरा मकसद ना सिर्फ जीतना है, और उसका मकसद ना इंतकाम लेना है। तो उसके मकसद को ना नामुमकिन मत समझियो, क्योंकि तेरे जीतने की वजह ना उसके जीतने की वजह के आगे कुछ खास नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तू रेस कर अपनी, अगर वो आगे बढ़ता है ना तो ऐसा करेंगे। ये रही बाइक भाई। प्रीत, मिल गई बाइक। यार बाइक सच में बहुत औसम है। मुझे पता ही था कि तुम्हें पसंद आएगी। अच्छा सुनो, अभी रात काफी हो गई है तो मैं बाइक लेके घर जाता हूँ, और हाँ आपसे कल शाम को मिलूंगा, राइड पे चलेंगे, ठीक है? ओके बाय। क्या बात है भाई, साइकिल से अब बाइक पर, बढ़िया है वैसे, नाइस बाइक। और हाँ लड़की मत घुमा, प्रैक्टिस कर ले, कल तेरे काम आएगी। शेर को शिकार करना सिखाया नहीं जाता, शेर शिकार ही पैदा होता है। इतनी मोटिवेशन इतने कम टाइम में, सही है। खैर कल मिलते हैं रेस में। The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Dono radio? Yeah.
tiro de cadera, siento en mi cadera. Te quiero en mi barco, tú quieres mis cosas. अबे पागल है क्या, देख कर नहीं चला सकते भाई. अरे सॉरी ब्रो. Tú quieres estar en mi cadera, siento en mi cadera. Las amarras, la presión es puro interés. Es un avión caminando por salera. Son las chicas en arena con sabena. Y si te digo que esta noche soy tu amante. अखिलेश वो आगे निकल रहा है यार, कुछ कर. हाँ हाँ कुछ कुछ कर. It's all about humanity. Thanks to the hunt, I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. तुझे क्या लगा रेस तू खत्म करेगा? खत्म तुझे मैं करूंगा अभी. क्यों कर रहा है तू ऐसा? क्योंकि हारना मुझे पसंद नहीं, और जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे कोई भी हत्या करनी पड़े. समझा? देख सचिन, तू ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा है. गलत सही के बीच में ना मैं नहीं पड़ता, जो मिले सही है वो सही है. भाई क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, मार साले को. ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे. प्रीत तू? हाँ, और ये निशाना ना तेरे सर पे भी हो सकता था, पर छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू डेली जल जल के मरे. क्या बात है, That's the girl I want. सुधरेगा नहीं ना तू? मैंने सबको सुधार दिया और तू मुझे सुधारने की बात कर रही है. सुधर जा, वरना मेरा निशाना तो तू जानते ही है. और समझ ले ये बात, ये निशाना जो आज हाथ पे था ना, कल को सर पे होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. हाय हाय, तेरा ये एटीट्यूड, मैं तो दीवाना ही हो गया. पता है पहले तू ये पाया ना मेरी ख्वाहिश थी, और अब तुझे पाना मेरी जिद है. बकवास बंद करो, तुम दुश्मन हो मेरे, निकल जाओ यहाँ से. मेरा तो सुनने की जरूरत क्या है? जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत तभी कामिल होती है जब महबूब के दुश्मन से दुश्मनी हो. ये बात चल ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, पर याद रखियो तुझे मैं पाकर रहूंगा. चल. तेरे हो के रहेंगे दिल जिद पे अड़ा है. अरे यार तुम तो छुपी रिश्तम निकली, ये क्या रूप था तुम्हारा? अरे ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. सोचा नहीं था मुझे तुम्हारी जैसी लड़की मिलेगी, और रेस तो मैं जीतने ही वाला था. तो बताओ बनोगी ना मेरी गर्लफ्रेंड? कहाँ जीते तुम रेस, वो तो मैं आ गई बीच में तुम्हें बचाने के लिए. यार देखो चिटिंग मत करो. अच्छा चलो मेरे साथ करो रेस, अगर तुम जीत गए तो हाँ कर दूंगी. अच्छा तो चलो करते हैं रेस. चलो.
love with me. हेलो गाइस, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ गाइस कमेंट कीजिए आपको वीडियो में जो भी अच्छा लगा। और गाइस भाई का चैनल है यूथिया बॉयज, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। और हाँ गाइस फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर, लिंक नीचे आ रही होगी तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू।